आगामी 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वह मनगढ़ंत बात कर रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है। महागठबंधन की सरकार अपने वादे के अनुरूप काम कर रही है कि अपनी नाकामियों को महागठबंधन सरकार के ऊपर थोप करके और अपनी कमियों को पूरा करना। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, हमने कई ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं इस राज्य में लागू करने का काम किया है। चाहे वो किसान ऋण माफी की योजना हो, 15 लाख ग्रीन कार्ड की बात हो, राशन में दाल सम्मिलित कराने की बात हो, पुरानी पेंशन योजना हो, पारा शिक्षकों का मामला हो, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, छोटे मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, दलित के बच्चे जो विदेश पढ़ने तक नहीं जा सकते थे पैसे के अभाव में, सरकार ने उनको विदेश भेजने का भी लक्ष्य रखा है कि आप विदेश में जाके पढ़ो, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा हम देंगे। तो इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि महागठबंधन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच बुद्धि सद्बुद्धि पे हमें तरस आता है। वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार की विफलता गिनाते हुए कह रही है कि जेएमएम के नेता जेल की हवा खा रहे हैं। माननीय विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में और तमाम मुद्दे पे उस समय चर्चाएं होंगी कि किन्हें किस मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य का करप्शन और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, जो इलीगल क्रशर्स और माइंस का रैकेट चल रहा है, जो अवैध तरीके से हज़ारों हज़ार ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से करोड़ रुपए की अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के यहाँ बरामदगी हो रही है और जो पूरा स्टेट में लॉलेसनेस है, और जिस तरीके से शहीद संध्या टोपनो की हत्या कर दी गई, गोवंश की तस्करी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर मुहर हमारे विधायक दल की बैठक में लगेगी। बहरहाल मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। देखना होगा कि विपक्ष के आक्रामक तेवर का सत्ता पक्ष कितनी मजबूती से जवाब देता है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।